हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं विला वाला प्रोजेक्ट। चार विला यहां पे बने हुए हैं। साइज और प्राइस के बारे में अपन बात करेंगे। पहले मैं लोकेशन के बारे में बता दूं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि हम ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो साइज और प्राइस के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, पहले एक बार अपन टूरिस्ट का कर लेते हैं। तो लोकेशन के बारे में बता दूं, पहले अपन जैसे ही गांधीपथ वेस्ट में चलेंगे, लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट साइड के अंदर जो विराट होम्स वाली जो गली आती है उसे जस्ट आगे की तरफ लेफ्ट के अंदर जैसे अपन घुसेंगे तो आपको ये विला वाले प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आइए एक बार अपन देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले अपन देखने को मिलेगा यहाँ पे पार्किंग का स्पेस। यहाँ सफिशिएंट पार्किंग का स्पेस दिया गया, लगभग 16x8 के आसपास का स्पेस मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इधर की तरफ अगर देखते हैं अपन तो बाइक के लिए भी यहाँ पे प्रॉपर स्पेस यहाँ पे दिया गया है। आइए अपन एक बार अंदर की तरफ से लुक देख लेते हैं। तो सबसे अपन जैसे ही एंटर होते हैं यहाँ पे एरिया दिया गया है, लिविंग एरिया टाइप में। सोफा वगैरह आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। एक बार आप आराम से दिखा दीजिए डिज़ाइन वगैरह के बारे में भी, एक बार कैमरामैन जी प्रॉपर दिखा दीजिए। फिर अपन चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे वुडन का काम किया गया, ये भी बहुत अच्छा जो है लुक यहाँ पे देखने को मेरे को मिल रहा है। अंदर की तरफ जैसे अपन देखते हैं तो ये डाइनिंग स्पेस आ गया है। डाइनिंग स्पेस भी प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है। इधर की तरफ से टीवी पैनल वगैरह का यहाँ पे अपन यूटिलाइज यहाँ पे कर सकते हैं इस जगह को। बाकी डिज़ाइन यहाँ पे बनाई गई है। इधर की तरफ देखते हैं, वाह बहुत मतलब स्पेस जो है किचन का स्पेस देख के एकदम से मजा आ गया मेरे को। यहाँ से देखो लगभग 16x4 के आसपास का जो है मेरे को यहाँ पे किचन देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा सफिशिएंट स्पेस यहाँ पे कि इसमें जो है वुडन का काम किया गया, वार्डरोब्स का काम भी किया गया। उधर की तरफ से वेंटिलेशन के लिए वहाँ से दिखाइए कैमरामैन जी, वहाँ पे खिड़की भी आपको देखने को मिलेगी। फिर अपन अब बात करते हैं एक बार थोड़ा यहाँ की डिज़ाइन के बारे में। एक बार देख लिए फॉल सीलिंग वगैरह, यहाँ की डिज़ाइन एक बार थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। फिर अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है वुडन का काम किया गया है, सामान वगैरह रखने के लिए प्रॉपर यहाँ पे स्पेस जो है यहाँ पे दिया गया है। इधर की तरफ अपन रूम के अंदर एंटर होते हैं तो ये एक, पहले मैं आपको थोड़ा उधर दिखा देता हूँ, ये इधर की तरफ से एक कॉमन लेट बाथ यहाँ पे दिया गया है, जिसका एक एडवांटेज मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फिर अपन अंदर की तरफ एंटर होते हैं, रूम हो गया है। रूम लगभग 14x12 के आसपास का रूम यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। इधर की तरफ से बहुत अच्छा वुडन का यहाँ पे काम किया गया है, पूरा एकदम प्रॉपर यहाँ वार्डरोब्स वगैरह दी गई है। टीवी पहनने के लिए यहाँ पे प्रॉपर जगह यहाँ पे छोड़ी गई है। ये जो इधर की तरफ देखने को मिल रहा है अपन को बाथरूम जो इसका अटैच है, जो मैंने बाहर की तरफ दिखाया था एडवांटेज अटैच और कॉमन दोनों एडवांटेज इसके बाथरूम के यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बार रूम का थोड़ा फॉल सीलिंग वगैरह एक बार आप ऊपर करके आराम से दिखा दीजिए कैमरामैन जी। फिर अपन इधर की तरफ बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पीछे की तरफ वॉशेबल एरिया के लिए यहाँ पे प्रॉपर जगह दी गई है। जगह भी मेरे को बहुत अच्छा मतलब स्पेसियस जगह है, कोई दिक्कत नहीं। वॉशिंग मशीन वगैरह आराम से आप जो है यहाँ पे रख के काम में ले सकते हैं। तो अब अपन चलेंगे ऊपर की तरफ। नीचे अपन ने देखा जैसे कि एक बेडरूम देखा, डाइनिंग एरिया देखा, लिविंग एरिया देखा और किचन अपन ने यहाँ पे देखा। तो एक बार आप आराम से कैमरामैन जी ऊपर की तरफ जो है डिज़ाइन जो है यहाँ पे बहुत प्यारी डिज़ाइन यहाँ पे दी गई है। एक बार आप आराम से ऊपर की तरफ डिज़ाइन दिखाते हुए एक बार आराम से कैमरे को ऊपर की तरफ लाते रहिए। आइए एक बार ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो है बहुत प्यारी डिज़ाइन आपको देखने को मिल रही है। अपन यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा वुडन का काम आपको देखने को मिल रहा है। झूमर जो है मुझे बड़ी प्यारी यहाँ पे देखने को मिल रही है झूमर का। और एक बार फॉल सीलिंग का यहाँ लुक दिखाइए, बहुत प्यारा लुक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देखो कितनी शानदार ब्यूटीफुल झूमर यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब अपन चलते हैं बिल्कुल सामने की तरफ। यहाँ पे एक बेडरूम बना हुआ है, बेडरूम का अपन लुक थोड़ा देख लेते हैं। आइए कैमरामैन जी। अरे वाह, स्पेसियस बेडरूम है, बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे बेडरूम का दिया गया। वुडन का काम तो मैंने जैसे नीचे बताया कि यहाँ पे वार्डरोब्स वाला सेम वैसा का वैसा काम किया गया। बहुत अच्छा जो है वुडन का काम, मतलब सफिशिएंट जो है। इधर भी यहाँ पे वार्डरोब्स आ गई, उधर वार्डरोब्स आ गए, टीवी के लिए यहाँ पे प्रॉपर जगह छोड़ दी गई है। इधर की तरफ अगर देखते हैं अपन तो इसका रूम का अटैच लेट बाथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उधर की तरफ भी थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। उधर की तरफ दिखाइए, यहाँ पे शीशा लगाया हुआ है जो कि अभी बंद है शीशा, तो यहाँ पे भी आपको अच्छा लुक सामने की तरफ देखने को मिलेगा। इधर की तरफ अपन देखते हैं तो बालकनी का स्पेस भी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉपर तरीके से दिया गया है। अपन चलते हैं पीछे की तरफ, जो दूसरा रूम बना हुआ है। मेरे को यहाँ पे जो देखने को मिला लकड़ी का जो काम है, वुडन का जो काम है, बहुत प्यारा यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। क्योंकि वार्डरोब्स वगैरह की बहुत आजकल डिमांड्स रहती है कि वार्डरोब्स जो है प्रॉपर होनी चाहिए रूम के अंदर। सेम वैसा ही डिज़ाइन यहाँ पे देखो देखने को मिल रहा है। इधर भी वही वार्डरोब्स जो है तीसरे रूम में भी अपन ने देखा। ये रूम लगभग वैसा ही रूम बना हुआ है जैसे नीचे बना हुआ था, सेम वैसे ही रूम बना हुआ है। इधर की तरफ वही अटैच लेट बाथ हो गए। पीछे की तरफ अपन बात करें, यहाँ पे वो वॉशेबल जो एरिया था नीचे, उस वॉशेबल एरिया जो है यूटिलाइज करके अपन सीढ़ियाँ जो है ऊपर छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ जो यहाँ से आपको ऊपर जाने को मिलती है।
तो फ्रेंड्स ये सब अपन ने देखा कितना प्यारा यहाँ का लुक था, सब कुछ बढ़िया मेरे को एकदम लगा। ये इसकी साइज़ की अगर अपन बात करें तो 15x60 के अंदर ये बना हुआ है, और प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस रखी गई है 70 लाख रुपये। बाकी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सब कुछ, लेआउट्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, प्राइस वगैरह भी लिस्ट आपको जो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, हमारे सलाहकार के नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन जाके वहाँ से आप हमारे सलाहकार को कॉल कर सकते हैं और विजिट के लिए जो है अपॉइंटमेंट वहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि हम ऐसे ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।